तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पूरा डिटेल बताता हूँ। ये मेरा इतने टाइम्स का, मतलब 2-4 महीने का पूरा आज स्टडी है, डिटेल्स है, कुछ निगेटिव पॉइंट्स है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है। पॉइंट एक है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इसका माइलेज बढ़ चुका है। जितना आप रफली पेट्रोल बाइक की जैसे उसको चलाओगे तो इसका माइलेज बढ़ चुका है। इसको कॉन्स्टेंट क्रूज कंट्रोल वगैरह वगैरह ऐसे, मतलब सब लोग फिक्स स्पीड रखते थे इसमें, 35 का रखते थे, 30 का स्पीड रखते थे, फिर जाके कुछ लोग इस पर 140 का माइलेज निकालते थे। लेकिन आज मैंने सब इसको पूरा अच्छी तरीके से डिज़ाइन करके इसको बनाया हुआ है, तो मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ। पहले क्या क्या किया मैं ये बताना चाहता हूँ। सबसे पहले पार्ट वन का वीडियो डाला था, इसमें मैंने ये दिखाया था, ये स्प्रॉकेट दिखाया था और ये एक स्प्रॉकेट दिखाया था। तो ये 64 दाते का स्प्रॉकेट है और 64-65 अभी इसको मैंने बहुत टाइम से रखा था और ये 15 दाते का स्प्रॉकेट था। तो ये मैंने माउंटिंग किया था बाइक पे, रिवॉल्ट पे अपना, लेकिन एक्चुअली क्या हो गया, इससे रिजल्ट कुछ नहीं निकला, उल्टा जो था वैसे था। बाइक का माइलेज बहुत कम हो गया और स्पीड बढ़ गया था, लेकिन इतने इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। तो ये मेरा फेल हो गया था, इसमें मेरा बहुत सारा खर्चा हो गया था डिज़ाइनिंग वगैरह, मशीनिंग वगैरह करने के बाद में। लेकिन फिटिंग परफेक्ट हो गया था, कुछ पता लग नहीं रहा था कि बेल्ट ड्राइव है या चेन ड्राइव है, क्योंकि एकदम स्मूथली चल रहा था। हल्का सा वाइब्रेशन फील हो रहा था क्योंकि इतना इसका अलाइनमेंट सटीक था, इतना इसको परफेक्ट अलाइनमेंट किया था, पता नहीं चल रहा था कि बेल्ट है या चेन है करके। उसके बाद में सेकेंड मैंने ट्राई किया था ये वाला, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये 13 दाते का है और ये बजाज प्लेटिना का मैंने फिटिंग किया था इसको, बजाज प्लेटिना का फिटिंग किया था, तो इसको भी लगाया था मैंने। इससे क्या हो गया, जो अपने रेगुलर यूट्यूब पे कोई एक बंदा है जो दिल्ली में है, जो ओला उबर वगैरह चलाते हैं, वो भाई ने, वो जो सर जी ने किया था, उनका भी माइलेज वगैरह बढ़ा था। सेम कंडीशन, इसमें स्पीड बढ़ गया था, फर्स्ट मोड पे मिल रहा था मेरे को, फर्स्ट मोड पे कुछ अराउंड 58-59, अगर प्लेन रोड रहेगा तो उसके बाद में 60 का स्पीड मिल रहा था फर्स्ट मोड पे। और सेकंड मोड में जितना अपने को 60 का मिलता है तो उसमें 15 किलोमीटर का बढ़ जाता था, मतलब 60-70-75 या 78 मिल रहा था। और थर्ड मोड पे ऑलमोस्ट 100 को क्रॉस कर जा रहा था। लेकिन फाइनली हिसाब वही हो गया कि माइलेज नहीं मिल रहा था। जो आज के डेट में रिवॉल्ट वालों को 120 माइलेज मिलता है, मैक्स टू मैक्स 130 माइलेज मिलता है, अभी पता नहीं किनको कितना मिलता है, लेकिन वो लोग कांस्टेंट स्पीड पे नहीं चलाते थे, वेरी करते थे, कोई 30 के स्पीड पे चलाता है, कोई 35 पे करके, मतलब गाड़ी का आरपीएम मेंटेन करके, मतलब ये जो ग्राफ रहता है, जो एक्सेलरेशन ग्राफ बोलते हैं, ये वाला, ये जो आरपीएम ग्राफ रहता है ना, ये हाँ, इसको इसमें मेंटेन करके रख के माइलेज निकाल देते सब लोग की। लेकिन वैसे रख के इस पे फिर इसको मज़ा नहीं आता था, झटका भी बीच बीच में झटका लगता था। इसका भी फिटिंग परफेक्ट था और इसका भी पता ही नहीं चला था कि बेल्ट ड्राइव है या कुछ, इसमें भी इसका अलाइनमेंट मैंने एकदम परफेक्ट किया था, लेकिन आखिर में वो ये ऐसे माइलेज इंक्रीमेंट नहीं हुआ, लेकिन स्पीड इंक्रीमेंट हो गया इससे। तो स्पीड इंक्रीमेंट कब हो जाता है, जब इसका डायमेंशन, ये जो डाया है, हाँ, जब ये डाया और ये डाया और ये डाया, अभी समझ एग्जांपल दे देता हूँ। ये मैंने कितना किया था, ये मैंने 13 दाते का किया था और ये है 45 टीथ का। तो क्या हो गया था, एक रेशियो हो गया इनका। तो जब ये मूवमेंट होता था, इसका मूवमेंट होता था, तो इसका मूवमेंट ज़्यादा फास्ट होता था, मतलब एज़ कम्पेयर टू, अगर दोनों इक्वल हो गए तो जितना इसको, अभी समझ लो ये एक राउंड मारेगा तो ये भी एक राउंड मारेगा। ये पूरा कैलकुलेशन के हिसाब से किया था, अभी मेरे पास सामने कैलकुलेशन लाना मैं भूल गया, तो मैंने पूरा कैलकुलेशन के हिसाब से किया था। ये परफेक्ट फिटिंग हो गया था, ये काम भी कर रहा है, लेकिन इसमें माइलेज कम है। अभी सेकेंड ये मैंने पल्सर 220 का लिया था, वो भी फिटिंग किया था, वही हुआ था, माइलेज कम हो रहा था, मोटर आरपीएम बहुत ज़्यादा लेता है, स्पीड परफेक्ट है, स्पीड बढ़ रहा है। दो ही इसमें हो सकता है, एक तो स्पीड बढ़ेगा माइलेज कम होगा, माइलेज बढ़ेगा तो स्पीड कम होगा। आप कितना भी इसमें करो आखिर में वही पॉइंट आएगा कि स्पीड बढ़ेगा तो माइलेज कम और स्पीड कम तो माइलेज ज़्यादा। तो आखिर में मैंने फिर फाइनल पॉइंट पे मैं इस पे आ गया। ये देखो, ये अपना रिवॉल्ट का ओरिजिनल है जो 30 दाते का है। इसके बाद में मैंने मार्केट से इसको ये बनवाया, ये 24 दाते का है, ये 24 टीथ का है, ये 30 टीथ का है। उसके बाद में इसको भी मैंने लगाया तो इसको परफॉर्मेंस मेरे को बहुत बढ़िया लगा। एग्जैक्टली क्या हो गया, फर्स्ट मोड पे सब रिवॉल्ट का जो बाइक है वो 42-41 की स्पीड पे रनिंग होता है। इसको लगाने के बाद में फर्स्ट मोड का स्पीड 37 हो गया, लेकिन आप थ्रोटल को कैसे भी घुमाओ, फुल्ली मतलब रफली घुमाओ, तभी मोटर आरपीएम ज़्यादा नहीं लेगा। इसके वजह से मुझको फर्स्ट मोड पे 150-160 का माइलेज मिला और वेट था कुछ 60 के आसपास वेट था बाइक के ऊपर, मतलब मेरा वेट बता रहा हूँ। और कुछ पकड़ के चलते कुछ 5-10 किलो का कुछ अगर बैग वगैरह कैरी किया होगा
टूल्स वगैरह मेरे जो रहते हैं, स्पैनर्स वगैरह, ये जो जो टूलबॉक्स वगैरह है, तो एक कैरी करके जो भी है, तो 65 के आसपास वेट हो गया था पूरा। तो इसने मेरे को ऑलमोस्ट 165 का मेरे को माइलेज दिया था इस पुल्ली ने। तो ये 24 टीथ का है, और ऐसे भी नहीं है कि ऐसा मैं कॉन्स्टेंट, मतलब कैसे भी रफली पूरा थ्रोटल देके, बार बार फुल थ्रोटल लेके, इमीडिएट फ्लाई ओवर आया, इमीडिएट मैंने एक्सेलरेशन किया, कुछ अगर स्पीड ब्रेकर मैंने क्रॉस किया, इमीडिएट मैंने थ्रोटल दिया, तो मोटर पे लोड नहीं आ रहा था इसकी वजह से, लेकिन स्पीड कम हो गया था। मतलब फर्स्ट मोड पे 42 अगर अपना डिस्प्ले में बता रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली बाइक अपना 37 या 38 के स्पीड पे भागेगा। सेकेंड मोड पे अगर इस पुल्ली पे ही 60 का स्पीड डिस्प्ले पे बताएगा, लेकिन ये 49 या 50 के स्पीड पे बाइक रनिंग होगा। लेकिन आपको जो फर्स्ट मोड पे जो माइलेज मिल रहा है उसका, जो अपने को सेकंड मोड पे मिलता है उतना मिलेगा। मतलब अभी ऑलमोस्ट 130 के आसपास इससे माइलेज मिलता है, 120 के आसपास इससे माइलेज मिलता है सेकंड मोड पे रफली चलाओगे तो। अगर 60 केजी का अगर वेट बाइक पे रहेगा तो, जैसे वेट बढ़ेगा तो माइलेज में भी आपको इफेक्ट होगा, आपको तो पता ही है। और थर्ड मोड पे ये अभी 100 क्रॉस कर रहा है स्पीड, लेकिन थर्ड मोड पे मैंने माइलेज टेस्टिंग नहीं किया क्योंकि मेरे पास बहुत वर्कलोड था उस समय में, आज भी मेरे पास बहुत वर्कलोड है, लेकिन इससे मेरे को और माइलेज इंप्रूवमेंट करना था। तो फर्स्ट मोड पे ये 37 के स्पीड पे चलता है, लेकिन आपको अराउंड 150 के आसपास या 160 के आसपास इसको आपको माइलेज आराम से मिल जाएगा। अगर 50 केजी का डबल सीट पे तो कम हो जाएगा, 150 का आपको माइलेज मिल जाएगा इससे। ये तो अपना पुली है, ये सबको तो पता ही है कैसे सब लोग चला है, लेकिन इसमें रफली बात कर रहा हूँ, कैसे भी थ्रोटल फुल थ्रोटल देके भी कैसे भी आप चलाओगे ना तो उसको इसमें माइलेज मिलेगा। उसके बाद में अभी मैंने रिसेंटली देखो ये पुली लगाए हुआ है, मैं आपको कंपैरिजन बताता हूँ। ये देखो ये कितना बड़ा है, इसका डाया दिखा देता हूँ। ये देखो ये है 24 टीथ का, अभी उसके बाद में ये 20 टीथ का लगाया मैंने, इसमें ये 20 दाता है और ये 30 टीथ का है। देखो ये कितना बड़ा है, देखो इससे हाफ है ये, तो मैंने इसको निकाल के इसको फिटिंग किया। तो इस पर अभी क्या हो रहा है, मोटर लोड ही नहीं ले रहा है, मतलब एम्पेयर ही नहीं ले रहा है, एम्पेयर नहीं ले रहा है, लेकिन घूम रहा है स्पीड वगैरह डबल सीट अप, मतलब जो ग्राफ है एम्पेयर का ग्राफ है ना वो बहुत कम है। मतलब जो सेकेंड मोड पर जो ग्राफ, सेकेंड या थर्ड मोड पर जो ग्राफ ले रहा है, जो थर्ड मोड पर जो ग्राफ रहता है एम्पेयर लेता है, ये जो ग्राफ रहता है थर्ड मोड पर, ये ऐसा पूरा जो ये जो एक्सेलरेशन ये जो ग्राफ आता है ये इतना ही रहता है, कम रहता है, इसके वजह से माइलेज बढ़ता है। तो ये एक्चुअली क्या हो गया, अभी इसका फर्स्ट मोड का रेशो बताता हूँ मैं। फर्स्ट मोड पे डिस्प्ले पे 42 बताता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये बाइक 28 या 30 के स्पीड पे बाइक रहता है अपना ये फर्स्ट मोड पे। तो डिस्प्ले पे वही बताएगा आपको, 42 बताएगा, 41 बताएगा, लेकिन ये प्रैक्टिकली चलेगा कितना, 30 के स्पीड पे चलेगा या तो 28 के स्पीड पे चलेगा। हाँ, सेकेंड मोड पे अपना बाइक डिस्प्ले में 60 बताएगा, लेकिन ये चलेगा फर्स्ट मोड के हिसाब से 40 के हिसाब से चलेगा, स्पीड में बता रहा हूँ। प्रैक्टिकली आप गूगल मैप पे अगर स्पीड लगाओगे तो आप उसके रेशियो से कैलकुलेट करोगे तो डिस्प्ले पे 60 का स्पीड दिखाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली ये चलेगा 40 के स्पीड पे, 40 के आसपास चलेगा। अगर हिल क्लाइंब अगर फ्लाई ओवर वगैरह आ गया तो 39 हो जाएगा, बस ऐसा हो गया। लेकिन इस मोटर पे लोड कुछ नहीं आ रहा है, एकदम फ्रीली मोटर घूम रहा है, बहुत फ्रीली घूम रहा है और आरपीएम बहुत कम ले रहा है, तो इससे माइलेज बढ़ेगा। तो इस पर मेरे को अभी टेस्टिंग बाकी है, कैसा माइलेज दे रहा है, क्या दे रहा है। और ये बताना चाहता हूँ मेन पॉइंट, ये मेरा मेटल पुल्ली है जो घिसेगा नहीं। देखो ये देखो बताना चाहता हूँ, ये देखो घिसा हुआ है, मैं आपको कैसे बता, देखो दो स्टेप में दिख रहा है, ये एक ही दाता दो स्टेप में दिख रहा है। ये एल्यूमिनियम कास्टिंग पुली है और ये देखो यहाँ पे अपना पहला ओरिजिनल जो अपने जब भी रिवॉल्व लिया था तो ओरिजिनल पीच है, ये अभी मेरा घिस के ऐसा हो गया है। ये देखो कुछ किलोमीटर के कितना, मतलब मेरा 40,000 किलोमीटर रनिंग हो गया है, तो देखो ये ऐसा हो गया। ये देखो ये अभी ये एल्यूमिनियम कास्टिंग है तो घिस गया है, देखो स्टेप दिख रहा है, लेकिन ये घिसेगा नहीं क्योंकि ये MSENET हार्ड मटेरियल में है, ये पुल्ली को कुछ नहीं होगा। और ये सेम इक्वल वेट पे है, इसका ऐसा उस तरीके से मशीनिंग किया हुआ है ताकि, और इसका क्योंकि मेटल है, मेटल का वेट बढ़ जाता है, तो मैंने इस टाइप से मशीनिंग किया हुआ है, उसका ऑलमोस्ट बहुत सारा मटेरियल निकाल दिया हुआ है ताकि इसका डिज़ाइन भी प्रॉपर रहे, इसमें स्ट्रेंथ रहे और वेट भी हल्का हो। तो उसकी सबसे मैंने इसको डिज़ाइन किया हुआ है और मशीनिंग किया हुआ है, बहुत टाइम लगा, बहुत मेहनत लगा, बहुत सारे कैलकुलेशंस करने पड़े, बहुत बार टेस्टिंग करना पड़ा, तो आज ये फिटिंग किया हुआ और आज में हो गया, दस दिन हो गया चला रहा हूँ। मेरे को माइलेज में बहुत इफेक्ट गिरा हुआ है, पिकअप हद से ज़्यादा पिकअप बढ़ चुका है, बहुत पिकअप बढ़ चुका है। अगर आप इस पर ट्रिपल सीट भी चलाओगे ना तो ईजिली चढ़ेगा, मतलब पूरा कोई भी एरिया वगैरह कैसे भी किस जर्क मूवमेंट वगैरह या तो कोई भी पहाड़ी पर चलना हो कहीं पर भी एकदम पूरा स्ट्रेट वगैरह, मतलब
एकदम पिकअप इतना बहुत ऐसा बढ़ गया, इतना खतरनाक पिकअप बढ़ गया। और ये मेरे ख्याल से मैंने थर्ड मोड पे भी इसको चलाया था लेकिन ज़्यादा भगा नहीं पाया, लेकिन मेरे को थर्ड मोड पे इसने मतलब गूगल मैप में जो स्पीड बताता है उसमें ऑलमोस्ट 70 का स्पीड दिख रहा था और बाइक डिस्प्ले पे 102-103 बता रहा था और उसके आगे भी बढ़ रहा था, लेकिन रोड ख़त्म हो गया और बाकी का भी थोड़े से काम के गड़बड़ में वो टेस्टिंग रह गया, लेकिन ऑलमोस्ट मेरे को 70 का स्पीड दिखा गूगल मैप में और डिस्प्ले पे 102-103 वेरी हो रहा था क्योंकि मोटर पे रोड लोड नहीं था। तो अभी इस पे मेरे को माइलेज टेस्टिंग पेंडिंग है, मैं इसका पार्ट 3 वीडियो बनाऊंगा कि इस पे क्या माइलेज कैसा माइलेज हो रहा है क्या हो रहा है। लेकिन ये तीनों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे स्पीड बढ़ता है, ये तो फेल ही हो गया समझ लो, इसको मैं बता देता हूँ, ये तो फेल हो गया मेरा, इससे ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं गिरा, इससे स्पीड मिला, हाँ इससे भी मेरे को स्पीड मिला। अभी इनका पूरा फाइनल रिजल्ट यही है, अगर किसी को अगर सपोज आपको ट्रायल लेना है कि कितना मेरा बाइक माइलेज देता है और आपको ये डिवाइस लगाना है, ये सिस्टम पुली वगैरह लगाना है, तो आप एक दिन मेरे विजिट कीजिएगा, बैटरी आपका फुल चार्ज करके लेके आइएगा और मेरा बाइक लेके जाइएगा, मैं बता देना अगर उनको जिनको लेना है और उनको देखना है कि प्रैक्टिकली कैसा है, क्योंकि कैसा है मेरे को वर्कलोड इतना ज़्यादा रहता है कि मैं बस चार्जर रिपेयरिंग के लिए आते हैं, बाइक रिपेयरिंग के लिए आते रहते हैं, तो एक दिन भी निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बाकी ईवीज भी रहते हैं, कस्टमर की भी बहुत नीड्स होती है क्योंकि रिवॉर्ड्स तो अच्छी बाइक है, कस्टमर सपोर्ट सर्विस सेंटर से सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, तो मैं जितना हो सके मैं मेरे से सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मेरे पास इतने चार्जर रिपेयरिंग के लिए आ रहे हैं, इतना बाइक के बहुत सारी मेरे पास रिपेयरिंग के लिए आते हैं, मैं स्पेयर पार्ट्स देना, कुरियर करना, उनके फॉलोअप्स वगैरह लेना, हर एक को मतलब जवाब देना, हर एक इतने कॉल्स आते हैं हर एक को, मतलब हर मेरे पास अभी दोस्त कम से कम दिन में 4 से 5-6 बाइक्स आते रहते हैं रिपेयरिंग के लिए, ऊपर से किसी के स्पेयर पार्ट्स भी उनको नया डाल के जाए उस पर रिपेयरिंग में कुछ, उसमें सर्विसिंग के लिए भी बाइक्स आती रहती है। तो वही अगर किसी को एग्जैक्टली प्रॉपरली माइक लेना है और उनको माइलेज टेस्ट करना है कि एग्जैक्ट कितना गिरता है माइलेज क्या है, तो वो लेके जाए मेरा बाइक, टेस्ट करे क्या माइलेज गिरता है, कैसा इफेक्ट होता है बाइक के ऊपर, मतलब डबल सीट जाए कितना माइलेज गिरता है और रफली चलाए, ताकि कुल मिला के एकदम फाइनल रिजल्ट आ जाए। मैंने तो निकाला हुआ है कि अराउंड इतना तो पता चला है मेरे को कि ये 140 के ऊपर ही मेरे को माइलेज मिलता है, वो भी रफली चलाने के पे, और वो भी 40 के स्पीड पे या तो फिर एकदम रफली, एकदम हर बार रफली, मतलब थोड़ा इमीडिएट आप फुल दे दो क्योंकि वो ग्राफ बढ़ जाता है, लेकिन बाद में वही जगह पे कम ऐसा 2 से 3 पे इतना ही, ये दो तीन चार इतना ही वेरी होते रहता है, आपका स्पीड ज़्यादा रहता है लेकिन ये 2-3-4 इतना ही ग्राफ वेरी होते रहता है। तो डिवाइस फिट किया है, मेरे को माइलेज में तो फ़र्क गिरा हुआ है लेकिन मैं प्रॉपरली टेस्ट नहीं कर पाया हूँ, और एक अंदाजे से बता रहा हूँ कि मुझको मैंने मतलब इसको 100 या 180 किलोमीटर चलाया भी है लेकिन मैं उसको कभी पकड़ नहीं पाया हूँ क्योंकि मैं हमेशा काम के चक्कर में ही रहा हूँ। तो जिनको लेना है मैं इसका एक प्रॉपर एक बाद में फिर से वीडियो बनाऊंगा पार्ट 3 करके, और इसका भी डिटेल दे दूंगा आपको, इसका भी डिटेल दूंगा क्योंकि लोगों को माइलेज इंपॉर्टेंट है, सिटी में स्पीड कुछ मायने नहीं रखता है, और अगर ये फर्स्ट मोड पे अगर ये लोग चलाएंगे तो फर्स्ट मोड से मेरे ख्याल से 160 के ऊपर ही इसका माइलेज मिलेगा क्योंकि 30 का स्पीड, और 30 के स्पीड में तो RPM ही नहीं लेता है, मोटर लोड ही नहीं लेता है 30 के स्पीड पे, ये मोटर लोड ही नहीं लेता, इतना ही घूमते रहता है, अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो इधर से इधर तक बस, बाद में इधर 30 के स्पीड पे, लेकिन 30 के स्पीड पे देखो जिनको चलाना है लॉन्ग रूट पे आराम से जा सकते हैं, और मैंने तो बेल्ट डिज़ाइन किया हुआ है, पुल्ली भी मैंने अभी मेटल का डिज़ाइन किया हुआ है क्योंकि पुल्ली ये घिसेगा ही नहीं क्योंकि ये मेटल MSENET में है, और ये पुल्ली भी मैंने बनाने के लिए डाला हुआ है, तो ये भी मेरा आ जाएगा, इसमें भी मैंने 2-3 टाइप्स के बनाने के लिए दिए हुए मछली करने के लिए, वो भी मेरा हार्ड क्योंकि पुल्ली का भी 1 टाइम इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, बेल्ट का जैसे किया हुआ ही है मैंने तो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट किया मेटल का, तो ये भी एल्यूमिनियम का है और ये भी एल्यूमिनियम का है, हाँ एल्यूमिनियम कास्टिंग का है, तो वो भी एक दिन एक टाइम आप बेल्ट कितनी बार बदलोगे, 2 से 3 बार 4 वाला बाद में बेल्ट बदल दोगे, आपका जो है ऑफिशियल रबर का जो मित्सुबिशी का है कॉन्टिनेंटल का है और एक बहुत टाइप के बेल्ट्स है, तो वो 2-3 बार आप बाद में बदल दोगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको पुल्ली बदलने का टाइम आएगा, तो मैं पुल्ली भी बनाने डाला हुआ हूँ, वो भी आ जाएंगे। तो ये तो हो गया इसका, ये तो मेटल वाला बन गया है, ये तो कभी घिसेगा ही नहीं, इस पर कभी इंप्रेशन नहीं होगा, अभी मैंने इसको ऑलमोस्ट चला लिया है और अभी बचा इसका, ये भी मेरे पास आ जाएगा मेटल वाला, तो ये हार्ड एक बार ये भी हार्ड वाला आ गया बेल्ट सॉरी पुल्ली आ गया एक बार MS में, तो उसको भी मशीनिंग करूँगा और वेट उसका भी वेट इक्वलेंट ही रखूँगा उसके नियर बाय, क्योंकि मेटल MS में मेटल में वेट थोड़ा बढ़ जाता है, तो थोड़ा ज़्यादा से आधा किलो एक्सटेंड हो जाएगा लेकिन आपके लिए परमानेंट रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि वो कभी घिसेगा नहीं, बेल्ट के लिए भी बहुत बेल्ट, तो बेल्ट वाला तो है ही है मेटल वाला बस। और कहना चाहता हूँ कि
मेरे को इससे 160 का माइलेज मिल चुका है बाइक पे, मैंने टेस्टिंग किया था एक टाइम, 160 का मिला हुआ है, लेकिन तब मेरा सिर्फ अकेले का वेट था, कुछ 60 किलो ही वेट था गाड़ी के ऊपर। तो मैं एक टाइम वो एक चार्ज में मैं ठाणा से कर्जत के आगे गया था बहुत, तो यहाँ से 80 किलोमीटर है अप डाउन, एक चार्ज में पूरा मेरा अप डाउन हो गया था 80 का या कुछ 79 ऐसा कुछ किलोमीटर है, तो एक चार्ज में पूरा जाके आया था मैं यही इसमें ही एक पुली पे। तो और मेरा मेरे ख्याल से कुछ 47 का स्पीड रहेगा, 47-40 का इसमें स्पीड रहेगा इस पर, वो भी एकदम पूरा रफली। तो उस समय मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो अभी मैंने जो डिज़ाइन किया हुआ है उसका मैंने आज वीडियो बनाया हुआ है, और जिनको माइलेज टेस्ट करना है तो मेरे को एक बार कॉल करके आइएगा, जिस दिन अवेलेबल सब बुक करूँगा मैं आपको बाइक दे दूँगा, आप चला लीजिएगा कितना कैसा परफॉर्म करता है। अगर आपको डिवाइस लगाना है तो मैं कन्फर्म करता हूँ हर जगह सबको, मैंने अभी सिर्फ डाला हुआ है वीडियो कि आप लोगों को पता चले कि मेरा R&D काम बहुत चल रहा है, क्योंकि लोगों को माइलेज मिले और लोगों को कैसे सभी अभी सब लोग ने तो रिवॉर्ड ले लिया है, तो उसके लिए मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक्स कीजिएगा, मैं वीडियो तो एडिट नहीं करता हूँ, जैसे टाइम मिलता हूँ जैसे इमेज डाल देता हूँ, सब बैकग्राउंड का साउंड वगैरह आते रहता है। और प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। और देखो मेरे सारे स्पेयर पार्ट्स ऑल ओवर इंडिया में जाते हैं, तो अभी भी लोगों को डाउट जाता है कि मैं फ्रॉड कर रहा हूँ कुछ ना कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सब लोगों के मेरे पास आज पार्ट्स पहुँचे हुए हैं। तो प्लीज़ जिनके जिनके पास मेरे बेल्ट पहुँचे हैं, ब्रेक पैड पहुँचे हैं, कुछ भी लाइट मॉडिफिकेशन किट पहुँचा है, जो जो मैंने सब लोग ने लिया, प्लीज़ सब लोग ने कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं सब DTD से सब लोग ने दिया हुआ है, मैंने सबको चार्जर बना के दिया हुआ है, प्लीज़ सब लोग मेरे ये वीडियो पे कमेंट डालिएगा कि हाँ भाई इनके पास सब मिलता है, गाइड भी मिलता है, पार्ट्स भी मिलते हैं, और सपोर्ट भी करता हूँ, और बहुत सारे लोगों ने आज तक लिया हुआ है, सबको ट्रस्ट भी हुआ है, किसी किसी कस्टमर से हो गया होगा प्लस माइनस, लेकिन प्लीज़ समझ लीजिएगा मैं आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ। और मैं वीडियो को अभी ख़त्म कर देता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, और इसका नेक्स्ट टाइम बाद में कोई कस्टमर जब चलाएगा तो उसका वीडियो में उनका रिव्यू के साथ में यूट्यूब पे वीडियो डाल दूंगा, हर एक का डालूंगा, ये पुली का भी डालूंगा डिटेल्स में, और इस पे भी कितना माइलेज आ रहा है ये डालूंगा, और तब तक मेरा इसका भी डिज़ाइनिंग के लिए दिया हुआ है वो भी आ जाएगा। इसमें 2-3 टाइप्स के मैंने वैरायटी दिया, जिनको स्पीड चाहिए तो स्पीड के लिए अलग पुली है, माइलेज चाहिए तो माइलेज के लिए अलग पुली बनेगा, और एक रेगुलर जिनको सिर्फ यही चाहिए, तो ऐसा ऐसे 2-3 टाइप का मैंने पुली बनाने के लिए दिया हुआ है, उसको टाइम जाएगा क्योंकि बनाने में बहुत टाइम जाता है, डिज़ाइनिंग करने में टाइम जाता है, उसको प्रॉपर फिटिंग करने में टाइम जाता है, क्योंकि लोगों को वारंटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सबको मेन पॉइंट ये सबको लगेगा कि इसका वारंटी चला जाएगा, कुछ वारंटी नहीं जाएगा, मैंने सिर्फ ये बोल्ट खोला हुआ है और ये पुली इंसर्ट किया हुआ है इसमें और इसको टाइट कर दिया है, बस आपको निकालना रहेगा, तो फिर से इसको खोलना पड़ेगा, पुलर अटैच करना पड़ेगा, निकल जाएगा ये एज इट इज़, इस पर फिर से लग जाएगा, तो इससे वारंटी पे भी कोई इशू नहीं आएगा। मैं फिर से बोला वारंटी पे कोई इशू नहीं, क्योंकि मैंने सब आज तक रिवॉल्ट में मैंने जितने भी सारे काम किए हुए हैं, ये लाइट मॉडिफिकेशन का किट का काम किया हुआ है, ये कट ऑफ सेंसर डाले हुए मैंने, ये सब अटैचमेंट वाले ब्रेक लीवर के नीचे ना सबको लगते हैं कट ऑफ सेंसर डाले हुए हैं उनका सबका लाइट मॉडिफिकेशन, उसके बाद में मैंने ब्लूटूथ किट लगाया हुआ है उसका भी, तो ये और ये चाबी का भी लगाया हुआ है, ये सब अटैचमेंट वाला सिस्टम सब, मतलब किसी को भी वारंटी में इशू ना आए, सब ऐसा काम किया हुआ है गाड़ी पे मैंने, और ये भी अटैचमेंट वाला ही बनाया हुआ है मैंने, वो भी जब बन के आएगा तो उसका वीडियो डाल दूंगा मैं। तो ये पार्ट टू वीडियो आज यहाँ पर मैं ख़त्म कर देता हूँ, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, और जिन्होंने जिन्होंने मेरे सारे पार्ट्स लिए मेरे से लिए हुए सबको पहुँच गए, तो प्लीज़ सब लोग फीडबैक दे देना मेरे वीडियो को कि हाँ भाई इनसे पार्ट्स आप ले सकते हो वगैरह, क्योंकि गलत तो नहीं है, सब आपके लिए कर रहा हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करना और लाइक करना, शेयर करना, और प्लीज़ सपोर्ट करना, थैंक यू।